दोनों के दोनों इसी सेशन के हैं, ये नहीं कि एक पिछले साल का और एक साल का। नमस्ते, हाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, इट्स सो बॉय विशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। कल जो है मेरा इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम है, मतलब इतने दिन का गैप था वो अब जाके ख़त्म हुआ है और कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है। सो आज जो है मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो अपनी यूनिफॉर्म है उसको वॉश करना है, बिकॉज कल स्कूल के अंदर जाएंगे तो एकदम अच्छे बन के जाएंगे ना, एग्जाम सेंटर में एकदम क्लीन यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे। उसके अलावा कल रात को मैं ना थोड़ा लेट तक स्टडी गया था, तो इस वजह से ना मैं आज लेट ही उठा। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिफॉर्म वॉश करेंगे, उसके बाद स्टडी करेंगे, फिर शाम को मिलेंगे। अभी जो है मैंने आइसक्रीम ली है, बिकॉज घर पे ले जानी है, मम्मी ने मंगाई थी, बोले 3 चोकोबार लिया, 10-10 वाली। ये वाली जो चोकोबार है ये घर पे पकड़ा के उसके बाद मेरे को पोहे लेने के लिए जाना है, बिकॉज सुबह से अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और खाना खत्म हो गया। बताओ जब तक मैं उठा ना, आज खाना एकदम फिनिश हो चुका है और अभी तो कुछ भी नहीं खाया। सो मैं पोहे लेने के लिए जा रहा हूँ, आरती पोहे बनाएगी। अभी बन रहे हैं यहाँ पे पोहे, ये तो अभी देखो गल चुके भाई, आराम से काटे ली गई माई। और यहाँ पे ना प्याज है, उसके अलावा तेल है, बस ये जल्दी से बन जाओ, मेरी भूख शांत हो। मेरी जो यूनिफॉर्म है वो वॉश हो चुकी है, ये रही शर्ट एंड ये रहा जो है ट्राउजर, तो दोनों चीजें मतलब अच्छे से वॉश हो गई। अब ये जल्दी से सूख जाए, फिर वहाँ से प्रेस करवा के आएंगे। हमारे प्रेस वाले अंकल ना वो पास में ही है, मतलब भैया यहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ से प्रेस करवा के आ जाएंगे। आज जो है भीम ने ना पूरा फ्रिज साफ किया, पूरा का पूरा टोटल एकदम, इसलिए हमारे आज एक भी ठंडे पानी की बोतल नहीं है। बट देखो यार कितना क्लीन कर दिया एकदम। अभी मैं आऊँ छत के ऊपर, बिकॉज जो हमारी डिश है ना इसका वो नेटवर्क चल गए, ऊपर आके अब इसको हिलाना पड़ेगा और फिर नीचे से पता चलेगा कि नेटवर्क आया कि नहीं आया। और सच्ची इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना छत पे, अगर मैं ये लगा के नहीं आता ना तभी तो मर जाता। और चलो अब इसको हिलाते हैं और देखते हैं क्या आई नहीं आई। ये जो माइक था ना इसको बस रोटेट करना था और रोटेट करती और आगे डिश। और ना एक चीज और है, अगर ना जब अपनी टीवी ऑन होती है ना तो अगर अपन इससे अब कुछ बोलते हैं ना तो अपनी जो वॉइस है ना वापस रिफ्लेक्ट होके अपने पास आती है, और अगर ये बंद होगी ना तो नहीं आएगी। जैसे अभी हेलो हेलो आ रही है ना ऐसे ही। सो गाइस अभी चलते हैं नीचे, चाय वगैरह का प्रोग्राम बनाते हैं। बट गर्मी तो नहीं है, बट चाय देखो, चाय तो लव है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, चाय तो पीनी होती है भाई। अभी बज चुके हैं शाम के 6, अभी 2 घंटे मैं सो लिया हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत ही तेज नींद आ रही थी, तो मैं देखा 2 घंटे सो लेता हूँ। मैं 4 बजे सोया था और अभी 6 बज चुके हैं। मेरी यूनिफॉर्म जो है वो एकदम अच्छी तरीके से सूख चुकी है, सो अभी इसको लेके चलते हैं एंड प्रेस करवा के लाते हैं। इस ये वाली शर्ट है एंड ये वाली ट्राउजर है, सो अभी चलते हैं इन दोनों चीजों को प्रेस करवा के आते हैं। छोड़ दे मन ने तेरे सारे पजामा खोल लो, ये पजामा खोल देगा बट पागल, चल। प्रेस कर दो दोनों को आधे घंटे बाद दे देना। अभी अपनी जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो प्रेस के लिए दे दी है, बस वो जल्दी से प्रेस हो जाए, उसके बाद उसको अलमीरिया के अंदर रख दूंगा। शूज तो मतलब देखता हूँ कौन से पहन के जाऊंगा मैं। इसको जो एक बहुत ही तगड़ा वाला ऑब्जेक्शन है और वो ये है कि इसको जो एक दवाई है ना वो सिर्फ इसी हॉस्पिटल में मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही ना। ये गलत बात है यार, गलत बात, में जाके आ गया पूरे अच्छे नंबर के, कहीं भी नहीं मिली। मतलब क्या बोला, ये तो आनंद में मिलेगी दवाई, क्यों बोली उसकी ब्रांड है। वाह भाई ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये गलत बात है, उसको लूट रहे हैं खुलेआम, केस करूंगा मैं साथ में। सामने के साइड जो कचरा है ना पता नहीं कब हटेगा यार, ये हमारे पूरे व्यू को खराब कर देता है। इतना प्यारा सनसेट हो रहा है बट इसकी वजह से पूरा एकदम खराब हो गया। अभी जो है मैं छत के ऊपर आया हूँ, बिकॉज ऊपर की साइड ना बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, तो मैंने देखा 5-10 मिनट बैठ के आ जाते हैं। सामने चिड़िया कितनी प्यारी लग रही है सही में, और वहाँ पे हमारे जो कपड़े हैं वो प्रेस हो रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म प्रेस हो रही है। और गाइस एक चीज़ और, कल जितने भी मेरे दोस्तों का इंग्लिश का एग्जाम है उन सबको ऑल दी बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए एंड मेरे को भी ऑल दी बेस्ट बोल देना कमेंट के अंदर। बाकी मैं चाहता हूँ सबके एग्जाम और सारे एग्जाम अच्छे जाए, बहुत लोग साइंस से होंगे, बहुत ह्यूमैनिटीज से, बहुत कॉमर्स से। फाइनली जो मेरे कपड़े एकदम अच्छी तरीके से प्रेस हो गए और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, अच्छी तरीके से प्रेस किए एकदम भैया ने। आज
खाने के अंदर बनी है मिक्स वेज की सब्जी और भूरी रोटी। सो रोटी को जल्दी से लगाते हैं घी और फिर दोनों को मिक्स करके और खाते हैं। अभी ना आपको बताया मेरा ना ये परमिशन लेटर ढूंढने के चक्कर में ना मैंने देखो क्या कर दिया, पूरा एकदम खराब कर दिया। क्योंकि ये जो परमिशन लेटर मैंने यहाँ पे रख रखा था, फिर उसके ऊपर इतनी सारी किताबें पता नहीं किसने रख दी, तो ये ढूंढने के चक्कर में पूरा एकदम कबाड़ा हो गया। ये रहा हमारा परमिशन लेटर, देख लो ये तुम्हारा भाई प्यारा सा छोटा सा, और ये रही पूरी डेट्स जो ये कल एग्जाम है, ये रहा डेट, ये रही 13 मई 2022। मम्मी कल मेरा पेपर है, पेपर है। चलो अच्छा। अभी मम्मी ना यहाँ पे पर्दा लगा रहे हैं, धोए थे क्या वाला पर्दा, तब भी अब देखो हमारा पर्दा एकदम क्लीन हो गया। और ना अभी पता नहीं यार गर्मियों में क्या मक्खियां आ जाती है अंदर यहाँ से। अब ये है कि इसको बंद भी नहीं कर सकते, बंद करेंगे तो एकदम सफोकेशन होगा और खुला रखेंगे तो फिर मक्खियां आ जाती है, तो पूरा एकदम प्रॉब्लम ही हो जाती है गर्मियों के अंदर। तो एडमिट कार्ड ये रहा मेरा पेन एंड आइडेंटिटी कार्ड जो है वो मेरे को ढूंढना है कि आइडेंटिटी कार्ड कहाँ पे है। सो गाइस आपको ना एक बहुत ही मस्त चीज दिखाता हूँ मैं, कि ना मेरे पास दो दो आइडेंटिटी कार्ड है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो फैन ऑफ करते हैं, इसकी आवाज बहुत ही तेज आ रही है। एक जो आइडेंटिटी कार्ड है ना वो इधर की साइड है, ये रहा आइडेंटिटी कार्ड, निकालो ना इसको। ये देखो एक आइडेंटिटी कार्ड ये रहा और एक आइडेंटिटी कार्ड ये रहा, दो दो आइडेंटिटी कार्ड है मेरे पास। दोनों के दोनों इसी सेशन के हैं, ये नहीं कि एक पिछले साल का और एक साल का, दोनों मतलब सेम है। और अब इसकी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। जब मैं फर्स्ट एग्जाम देने गया था तो स्कूल के अंदर, मैं आपको याद हो आइडेंटिटी कार्ड लेने गया था, तो आपको बताऊँ मैं स्कूल के अंदर आइडेंटिटी कार्ड मेरे को मिला ही नहीं था, बिकॉज जो आइडेंटिटी कार्ड था वो मेरे मतलब दूसरे वाली ब्रांच के अंदर था, वो यहाँ से बहुत दूर थी 25 किलोमीटर के लगभग, और सिर्फ 10 बजने वाले थे, मेरे को जल्दी स्कूल सेंटर में पहुँचना था एग्जाम सेंटर में। और फिर पता चला यहाँ तो आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है। उसके बाद मैंने ना प्रिंट करवाया था, ये मतलब हमारे सर ने उन्होंने मेरे को दे दिया था, तो पास से प्रिंट करवा के, और फिर ये एक हो गया था। फिर कल परसों में जब गया था ना तो ये वाला भी मिल गया आइडेंटिटी कार्ड। ऐसे करके मेरे पास दो दो आइडेंटिटी कार्ड हो गए 12th स्टैंडर्ड के, बताओ। अब कभी भी ना जाके बस के अंदर यूज कर सकता हूँ मैं इनको। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट के अंदर मेरी गलती में जरूर बताना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाना। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय। हाँ, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। खाने के अंदर है आज मिक्स वेज की सब्जी और बोरी रोटी, बस जल्दी से इनको ना रोटी को प्रेस कर देंगे, प्रेस रोटी को तो घी लगाना है यार, प्रेस।